अजमेर जिला का जो जिला कलेक्टर परिसर है, जहाँ कलेक्टर महोदय स्वयं बैठती हैं, उसी परिसर के पास में आरपीएससी की पुरानी बिल्डिंग है और उस पुरानी बिल्डिंग में काफ़ी लंबे समय से वहाँ चूना, जहाँ अधिवक्ता और पक्षकार बैठते हैं, वहाँ बारिश के कारण पिछले वर्ष भी बहुत बड़े चूने का एक हिस्सा गिरा था जिसमें अधिवक्ताओं की जान बची थी। उसके बाद इस बात पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रशासन को इस बात की जानकारी दी थी कि इसके तुरंत इसको रिपेयरिंग कराया जाए, लेकिन प्रशासन ने इस और ध्यान नहीं दिया। उसी बात को कल बारिश, परसों जब बारिश हुई थोड़ी बहुत, और उसी बारिश के कारण परिणाम यह रहा कि यहाँ अधिवक्ता बैठे थे पुष्पेंद्र जी मिश्रा और पक्षकार बैठे थे, उनके सिर के ऊपर चूना गिरा। एक बहुत बड़ी जोखिम भरा जगह स्थान हो गई है यहाँ पर, जिसके कारण किसी की भी जान जा सकती है। यहाँ आपने देखा होगा जाल, जो बिजली के जाल हैं, या करीब 15-20 बिजली के मीटर लगे हुए और बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण भी कभी भी यहाँ बैठने वाले पक्षकार और अधिवक्ताओं को करंट आ सकता है और चूना गिरने से किसी की भी जान जा सकती है। इस और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि बॉम्बे में बारिश होने के बाद इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा ध्यान अजमेर की जनता को, कलेक्टर महोदय को स्वयं को ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन को जागरूक करना चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना कारित नहीं हो। इसलिए हम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भी दे रहे हैं और ये जो मीडिया के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरह की स्थिति विकृत होती चली जा रही है और यहाँ बैठना अधिवक्ताओं का मुश्किल हो गया है। बाहर सचिव समीर काले।